नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया टीम में आपका एक बार और स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रखा है। हम आज एक ऐसी महामारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे हर देश आज के समय में परेशान है। भारत में इसके केस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जी हाँ, आप समझ चुकेंगे, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। हम बात करेंगे आज टॉपिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर पर। तीसरी लहर आने पर क्या भारत में लॉकडाउन लगेगा या भारत की क्या स्थिति रहेगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हम कुछ आंकड़े नापेंगे या कुछ हम कंडीशन देखेंगे, कुछ रीडिंग देखेंगे कि भारत में क्या रीडिंग्स है, क्या आंकड़े हैं जिनके दौरान कोरोना वायरस के द्वारा लॉकडाउन लग सकता है या नहीं लग सकता। आइए सबसे पहले हम लॉकडाउन से संबंधित जानकारी से पहले हम थोड़ा पहले जाते हैं, पहले पास्ट में जाते हैं। हम सबसे पहली बात करते हैं कोरोना वायरस की पहली लहर के बारे में। जब कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी तो भारत में एक हड़कंप मच गया था। लोगों ने इसमें काफ़ी लापरवाही की थी और आगे चल के धीरे धीरे लोगों ने इस पर कंट्रोल पाया और एक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। कोरोना वायरस की जब पहली लहर आई थी तो सरकार ने भी काफ़ी सहयोग दिया। उन्होंने जैसे दीपक जलाना या बर्तन मंजवाना, इन्होंने एक हौसला दिया लोगों को कि आप एक अपने अंदर हौसला बनाए रखें, हम इस महामारी से लड़ सकेंगे। लेकिन कोरोना वायरस की जब पहली लहर आई थी उस समय जो भारत में केस थे वो बहुत कम केस थे जब लॉकडाउन लगा दिया गया था। करीबन 20 से 25 हज़ार केस थे भारत में, तभी लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन आज हम तीसरी लहर पर, अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो भारत में करीबन 58,000 करीबन कोरोना वायरस के केस 24 घंटे में आ चुके हैं। जहां 20,000 पे कोरोना वायरस के केस आने पे लॉकडाउन लग गया था, आज 58,000 केस आने पे भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। हमने पहली लहर पे अपने कैसे न कैसे कंट्रोल पाया, हम सभी ने, भारतवासियों ने अपनी पहली लहर पे कंट्रोल पाया। फिर आई दूसरी लहर। दूसरी लहर का भी यही समय था करीबन जनवरी फरवरी के टाइम में। उस समय काफ़ी हड़कंप मचा, काफ़ी लोगों की मौत हुई, शमशान घाटा तक की लाइन लग गई। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, इसको आप भली भांति जानते हैं। इस पर भी सरकार ने एक अपना फॉर्मूला अपनाया, उन्होंने टीकाकरण स्टार्ट किया, उन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट की और इससे काफ़ी लोगों को एक उम्मीद मिली, उन्होंने एक जीने का उम्मीद, एक चाहत जीने की चाहत प्रकट हुई और उन्होंने इसके खिलाफ में लड़ाई भी की। और इस तरह से हमने कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर भी हमने कंट्रोल पाया है। अब आती है तीसरी लहर 2022। 2022 के जनवरी का समय है और इस समय कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ चुकी है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो भारत में अभी 58,000 करीबन कोरोना वायरस के केस पर डे के निकल रहे हैं। 20,000 के करीबन नए मामले आगे मिले, मतलब कल के दिन सोमवार के दिन अगर आंकड़े निकाले गए तो 37,000 के समथिंग कोरोना वायरस के केस निकले थे और मंगलवार के दिन 58,000 कोरोना वायरस के करीबन केस निकले गए हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद एक हफ्ते के अंदर यह केस 1,00,000 के करीबन भी पहुंच सकते हैं। अगर भारत में 1,00,000 के करीबन केस हो जाते हैं तो भारत सरकार को लॉकडाउन लगाना ही चाहिए, क्योंकि इससे शायद हो सकता है ये 1,00,000 के केस 5,00,000 या 10,00,000 पे भी पहुँच सकते हैं। अगर हम भारत सरकार के द्वारा नियमों के पालन बात करें तो किसी भी तरह से कोई नियम नहीं बताए गए हैं अभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो अभी 1 जनवरी निकल गया है, जहाँ धार्मिक क्षेत्र होते हैं या जहाँ टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी गई है। ना तो वहाँ पे मास्क का कोई उपयोग बताया गया है, ना वहाँ पे सैनिटाइजर का उपयोग बताया गया है, ना वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करवाया गया है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भारत में लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, लेकिन अभी इलेक्शन का समय आने वाला है तो शायद हो सकता है सरकार इस पर जोर ना दे या किसी इस पर किसी भी तरह की ऐसी कोई पाबंदी लगाने पे ध्यान ना दे। अभी ताज़ा एक खबर हमको मिली है कि कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने एक ऐलान किया है कि जिस तरह से कोरोना वायरस की लहर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, इस पर वो अपनी कोई भी बड़ी रैली नहीं निकालेंगे। उन्होंने एक ऐलान किया है कि हम अपनी छोटी छोटी रैली निकालेंगे, कोई भी हम बड़ी रैली नहीं निकालेंगे। इसी तरीके से शायद हो सकता है अलग अलग पार्टियां अपनी अलग अलग तरह के रूल्स फॉलो करें या अलग अलग तरह के अपने नियम बना सकती हैं। और देखते हैं हम कोरोना वायरस की तीसरी लहर पर हम किस तरह से पाबंदी पा सकते हैं। दोस्तों, आपसे हम यही कहना चाहते हैं जो आपसे दुनिया में हर व्यक्ति कहता है, कंप्यूटर हो चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे मीडिया वालों हो, आप अपना ध्यान रखें। आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगे।
लोगों से दूरी बना के रखें, समाज का ध्यान रखें, सैनिटाइजर या आप सोशल डिस्टेंस का उपयोग जरूर करें। दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं कि एक पेज पे अभी भारत में हर राज्य में अभी कोरोना वायरस की क्या कंडीशन चल रही है, कोरोना वायरस के कितने केस आ चुके हैं और कोरोना वायरस के किस किस राज्य में कितने केस हैं, यह अभी आंकड़े हम आगे के पेज में देखते हैं। धन्यवाद।